गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड नोटेशन डिस्कस की थी आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे पहला क्वेश्चन है ए कॉइन इज टोस्ड सक्सेसिवली थ्री टाइम्स डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड सेकेंड इज एट लीस्ट टू हेड एंड थर्ड इज एट मोस्ट टू हेड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमें पता है कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं दो कितने टाइम्स को थ्रो किया गया थ्री टाइम्स मतलब रेस्ट पावर थ्री कितना आ जाएगा एट मतलब इसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास एट करिए सैंपल स्पेस बनाते हैं हम कॉइन को थ्री टाइम्स मतलब पहले टाइम में क्या आया हेड सेकंड में भी क्या आया हेड थर्ड में भी क्या आया हेड जब नेक्स्ट फेंका गया तो पहले हेड आया हेड फिर टेल फिर नेक्स्ट क्या पता पहले हेड आया हो फिर टेल फिर हेड फिर पहले टेल आया हो फिर हेड और हेड यहाँ तो दो हेड क्या पता जब नेक्स्ट टाइम थ्रो किया पहले दो टेल आए हो फिर हेड फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल या फिर पहले हेड टेल और टेल या फिर तीनों टेल सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम लिखते हैं मतलब पॉसिबल आउटकम कितने होंगे हमारी एट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट पॉसिबल आउटकम ये हमारे सैंपल स्पेस में फर्स्ट कंडीशन क्या है एग्जैक्टली टू हेड मतलब जो उसको टर्म चाहिए उसमें क्या होना चाहिए एग्जैक्टली टू हेड मतलब दो ही हेड हो दो से ज्यादा नहीं तो दो हेड हमारे कहाँ है यहाँ पे मतलब हेड हेड टेल फिर यहां पे हेड टेल हेड फिर टेल हेड हेड तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने आए हमारे थ्री फेवरेबल का मतलब जो हमें चाहिए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज थ्री बाय एट फिर नेक्स्ट क्या है एटलीस्ट टू हेड एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो हेड होने चाहिए दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो करें यहां पे एटलीस्ट टू हेड एटलीस्ट कम से कम दो इसमें है दो हेड फिर आगे यहां पे भी है दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मतलब तीन हेड भी हो सकते हैं ठीक है तो पॉसिबल आउटकम कितने आए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आए हमारे दैट इज तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एट दैट इज फोर बाय एट दैट इज वन बाय टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस थर्ड क्या है एट मोस्ट टू हेड मोस्ट टू हेड मोस्ट का मतलब मैक्सिमम दो हेड हो सकते हैं दो से कम भी पर दो से ज्यादा नहीं तो इसके क्या आएंगे पॉसिबल जो फेवरेबल केसेस में हमारे आउटकम मोस्ट दो मतलब ये या दो हेड इसमें हैं और कहाँ है इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। दो से कम भी मतलब एक हेड हो वो भी हम काउंट करेंगे या फिर अगर ना भी हो तो उसको भी काउंट करेंगे कितने बने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन फेवरेबल केसेस तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी दैट इज सेवन बाय एट क्लियर हुआ आपको एटलीस्ट और एट मोस्ट का केस अगर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसे मान लो आपके सामने फ्रूट्स की बास्केट पड़ी है उसमें दस फ्रूट है कंडीशन लगाई जाए एटलीस्ट फाइव फ्रूट आप खा सकते हैं एटलीस्ट का मतलब कम से कम आप पाँच खा सकते हैं पांच से ज्यादा भी खा सकते हैं छः सात आठ नौ दस अगर एट मोस्ट फोर बोल दिया जाए एट मोस्ट फोर का मतलब आप मैक्सिमम चार खा सकते हैं चार से ज्यादा नहीं कम खा सकते हैं आप उसे मतलब फोर थ्री टू वन या आप कोई भी ना खाएं तो वो भी हम काउंट करेंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग टोटल ऑफ नाइन डाइस कितनी है अब हमारे पास दो तो इसके पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे डाई के कितने फेस होते हैं सिक्स और फेंका कितनी बार है कितनी डाइस दो कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स तो अब इसके पहले पॉसिबल आउटकम लिखें करो डाई में कितने फेस होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और Six. अब दो हैं क्या पता जब मैंने डाई फेंकी पहली डाई पे भी वन आया सेकंड डाई पे भी वन आया नेक्स्ट टाइम थ्रो किया फर्स्ट डाई पे वन आया सेकंड पे टू फिर फर्स्ट पे वन सेकंड पे फोर थ्री फिर फोर फिर फाइव और फिर सिक्स सेकंड टाइम नेक्स्ट टाइम जब फेंका फर्स्ट डाई पे टू आया सेकंड पे वन फिर टू 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 थ्री

फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव और फाइव सिक्स फिर लास्ट में सिक्स वन यही पॉसिबल आउटकम आएंगे हमारे क्योंकि सेवन तो हम लिख लिख नहीं सकते क्योंकि डाई पे नंबर कितना होता है मैक्सिमम सिक्स तक तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आ गए ऊपर भी लिखे हैं वैसे मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट थर्टी सिक्स कंडीशन क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ऑफ़ टोटल अब इस स्पेस से वो टर्म निकालो जिनका टोटल क्या बनता हो नाइन तो किस किस का बनता है एक बनेगा आपका थ्री और सिक्स का फिर फोर और फाइव का फिर फाइव और फोर का और सिक्स थ्री का और किसी का बनता है नहीं बनता तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख लो दैट इज फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी क्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू डाइज फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय और टोटल ऑफ एट इसमें एक वर्ड आया और. और का मतलब यूनियन हमारे पास दो टर्म होती है और एंड और, और, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या कह लो इंटरसेक्शन में तो और में यूनियन आया तो ये टर्म पे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वो टर्म हम देखेंगे बाद में कि क्या इसमें अगर कोई टर्म या इवेंट दोनों इकट्ठे आकर होते हैं तो नॉन म्यूचुअली है अगर इकट्ठे नहीं होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सबसे पहले दो डाइज हैं इसका सैंपल स्पेस बना लो हमने पहले भी किया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी सैम्पल स्पेस क्या बनेगा वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव और टू सिक्स थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर बनेंगे सैंपल स्पेस हमारा अब कंडीशन क्या है दो टर्म है पहली है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले कंडीशन क्या है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई मतलब फर्स्ट डाई पे नंबर क्या होना चाहिए आपका इवन लिखिए फर्स्ट पे इवन नंबर कहाँ कहाँ आता है एक तो ये है टू वन वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव और टू सिक्स और कहाँ आ और थ्री तो हमारा ओड है तो फोर वारी फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फिर सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स यही है गेटिंग एन वन नंबर द फर्स्ट डाय फर्स्ट डाय पे इवन नंबर इसी में आ रहा है सेकंड क्या थी और टोटल ऑफ एट टोटल ऑफ एट मतलब सम क्या बनता हो एट तो एट किस किस का सम बनेगा दैट इज टू सिक्स का और थ्री फाइव का और फोर फोर का फिर फाइव थ्री का और सिक्स टू का यानी का भी बनेगा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम क्योंकि और की कंडीशन है तो फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी प्रोबिलिटी ऑफ ए प्रोबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें इसके नंबर ऑफ एवरेबल केसेस कितने आए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन तो क्या आ जाएगी एटीन बाई थर्टी सिक्स फिर बी की बात करें वन टू थ्री फोर फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो आ गया अब बात आई इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कौन सा इवेंट है जो दोनों साइड हो रहा है ए में भी हो रहा है और बी में भी हो रहा है चेक करिए या कौन सी टर्म है जो दोनों साइड है टू सिक्स इधर भी है और इधर भी है एक टर्म ये आ गई और चेक कर लो थ्री फाइव है इधर नहीं फोर फोर है है ओके फाइव थ्री है नहीं है सिक्स टू है नहीं कितनी टर्म्स हैं जो कॉमन है दोनों साइड थ्री तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया थ्री बाय थर्टी सिक्स क्लियर रखिए यहाँ पे एटीन बाय थर्टी सिक्स प्लस फाइव बाय थर्टी सिक्स माइनस थ्री बाय थर्टी सिक्स एल थर्टी सिक्स एटीन प्लस फाइव माइनस थ्री कितना बनेगा ये ट्वेंटी बाय थर्टी सिक्स तो आंसर इज फाइव बाय नाइन क्लियर हुआ इंटरसेक्शन का मतलब वो टर्म जो दोनों साइड कॉमन तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना या कमेंट बॉक्स में नीचे अपना जो भी आपका रीज़न या प्रॉब्लम हो वो आप लिख के छोड़ दीजिए थैंक यू